स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में एक रोजा हज तरबियती कैंप का आयोजन। हर बार की तरह इस बार भी बीजापुर के ग्यास मंडी सुन्नत जमात की जानिब से आज मैंने हज के लिए एक रोजा तरबियती कैंप आज सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक छोटा सार मस्जिद में रखा गया था, जिसमें हज से मुतालिक अहम मालूमात के साथ साथ अरकान हज भी बताए गए। इस कैंप में सरकारी और निजी तौर पर हज जाने वाले सैकड़ों मर्दों खवातीन ने हिस्सा लेकर मालूमात हासिल की। इस मौके पर ग्यास मंडी जमात के सदर व दीगर अराकीन हाजिर थे। आप लोगों का मसला नहीं है, आपका तो नाम रहता है वहाँ पर, अब वहाँ जाने के हो जाए तो शरीफ की मस्जिद में नमाज भी पढ़ ले आप, लेकिन जल्दबाजी ना करें हरम शरीफ को जाने के लिए। हरम शरीफ को जाने के लिए आप जल्दबाजी ना करें, बल्कि जाके सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाके सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही आप लाश में जाएंगे, जाने के बाद वो जो हारिस होता है, जो वॉचमैन होता है, उसके पास उसके लार्ज का एड्रेस लेंगे। आप लेंगे एड्रेस, लेंगे इस तरह अपने पास भी रखना है, ये रूम ना रखना नहीं है, रूम में रखकर जाएंगे तो फायदा नहीं है आपका, रूम तो आपका ही रूम है, लेकिन एड्रेस आपके पास रहना, ये रहेगा। ये लेने के बाद क्या करेंगे, आप जाएंगे सीधा बस स्टॉप तलाश करेंगे वहां पर आपके रूम के करीब कौन सा बस स्टॉप, इसीलिए जैसे ही आप जाएंगे जाकर क्या करेंगे, लॉज वाले के पास जाकर, हारिस के पास जाकर, वॉचमैन के पास जाकर सबसे पहले आप काटेंगे। सिर्फ आप नहीं लेंगे बल्कि अपने घर वालों को भी दिलाएंगे आप कुछ ना कुछ रह सकता, आप कार्ड लेंगे, ये कार्ड लेंगे, लेकर जो है अपने पास पुराने जो भी हज कमेटी वाले किए थे या कौन से भी जो है ऐसे कार्ड आपके पुराने रहते ये हज कमेटी वाले किए थे, तो मैं क्या करते हैं उसको काट करना है, आपका जो बार पड़ा था एक निकाल कर उसको आप छिपका लेना, काट करना है आपका जो बार पड़ा था एक निकाल कर उसको आप छिपका लेना, बस वाला भी देखकर आपको काम करेगा सीखने वाले, क्योंकि भाई ये निकाला है तो भाई ये की बतिया चल, भाई ये की बतिया चल, तो आप इस तरह चढ़कर जो है जाएंगे आपके लाल के करीब कितने नंबर मुल्क के झंडे रहते, जहां जहां झंडा रहता वहां वहां उनकी बस का स्टॉप रहता, रास्ते पे मेन रोड तक रहता था, वहां जा बस स्टॉप बिल्कुल करीब था भाई, ये ऐसे कार रहते हैं, ऐसे कार रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये लॉजिंग में रहते हैं, जाते सबसे पहले किसका एड्रेस लेना है आपको, लॉजिंग वाले बेटा बस स्टॉप का नंबर है, बस का नंबर है, ये यहाँ पर ये बस स्टॉप पे जो भी बस खड़े रहेगी उसका नंबर क्या रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद शफी अली मुर्तुजा शारपैदे से, मैं जो है यहाँ पर छोटा सर मस्जिद घास मंडी सुन्नत जमात छोटा सर मस्जिद का एक रुकन हूँ, और ये जो है हज का प्रोग्राम हम तकरीबन 15 साल से ये हाजी लोगों का आजमीन हज का प्रोग्राम करते हैं, और जो है बहुत से जो है मनासी के हज के बारे में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि जो हज को जाने वालों के लिए पूरे के पूरे मनासी के हज के बारे में मालूमात हो, और जो हम औरतों के लिए मर्दों के लिए सब इसका इंतज़ाम करते हैं, दोपहर का खाने का इंतज़ाम करते हैं, हर साल एक हमारा मामूल रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के सब आजमीन हज को मनासी के हज के बारे में मालूमात दें, और ये जो है हमारी एक बड़ी जमात है यहाँ पर, इस जमात के तहत 4 मस्जिदें चलते हैं, 4 इमाम 4 मौज़न, और ये बिल्कुल जो है हम फी सबीलिल्लाह हम जो कुछ भी यहाँ पर हज के लिए आजमीन हज के लिए जो कुछ खर्च करते हैं जमात को बिल्कुल खर्च वगैरह नहीं करते, खुद जो है हमारे खर्चे से हम इंतज़ाम करते हैं, दोपहर का खाने का इंतज़ाम भी करते हैं, यही सिर्फ और सिर्फ हमारा ये मकसद रहता है कि हम जो है अल्लाह को खुश रखें और खुश करें, अल्लाह ताला के हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करें, और जो है मनासी के हज जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुरान शरीफ में 128 आयत सूरह बकर में जो है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वरीना मनासिकना वातुब अलैना, या अल्लाह हमें मनासी के हज इबादत का तरीका सिखा और हमारी दुआ को कबूल कर, ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगे थे कि मनासी के हज जो है
सिका बोलकर दुआ मांगे थे, और कई कुरान में जो कई जगह को हज के बारे में जिक्र आया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो हज विदा में भी हज विदा में ये भी सहाबा कराम को जो है ये फरमाते थे कि तुम जो है मनासी के हज मुझसे सीखो, क्योंकि हो सकता है मैं अगली बार हज करूं या न करूं। इसलिए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है मनासी के हज सीखना भी सुन्नत है और सिखाना भी सुन्नत है। इसलिए हम जो है ये जो है सुन्नत रसूल को कायम रखते हुए हम जो है 15 साल से आजमी ने हज की जो है खिदमत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। और हज को जाकर आने के बाद भी जो है हुज्जाज कराम आकर हमको बोलते हैं कि साहब यहाँ से आपके मस्जिद से बहुत से अच्छे से अच्छे मालूम हुए हमको, बहुत जो है वहाँ उमरा करने में और हज करने में हमको बहुत सहूलत हुई। ये जो है इतना हमारा मुख्तसर जो है बयान है, इससे ज़्यादा हम हमारे सदर साहब आपको समझाएंगे। मोहम्मद अयूब नदाफ घास सदर घास मंडी सुंदर जमात, ये हमारे मस्जिद में हमारे जमात की जानिब से 15 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, और हमारे जमात के सब मेम्बरान खिदमत करके और हमारे जमात के तरफ से करते हैं, और आप भी न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और ये न्यूज़ सारे दुनिया में फैला दीजिए कि ये जो खिदमत हम हज करने वालों के लिए कर रहे हैं वो सब लोग करें, ये हमारी गुजारिश है। अच्छा, सलाम। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है, बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं, तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें, और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।